मेरा आज का जो प्लान था ना, मेरा वो था सुबह सुबह 6-7 तक दिल्ली पहुँचाने का, ठीक है। बट वो पता पूरा कैंसिल हुआ, मेरा टिकट मेरे को अंदर ही नहीं घुसने दिया, क्योंकि मैंने पता मैंने गलती से इंस्टा का नाम डाल दिया था। अरे बैंगलोर नहीं जाने के लिए, एयरपोर्ट पे मेरे को लेने आने के लिए। ये 10 रुपए में डीडी से पकड़ के घूमती है, और ये क्या वो 600 रुपए का कैप करके आई। तो हेलो एवरीवन, फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ बिल्कुल ही, एंड मेरा बैग वैग बिल्कुल पैक है, सब कुछ रेडी है। एंड अब मैं निकलूँगा, अभी टाइम हो रहा है 1:40, बट मेरी जो फ्लाइट है वो है 5:50 की, 5:50 की। हाँ, तो मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा कम से कम 3 बजे तक। हाँ, तो बिल्कुल अपने बिल्कुल रेडी है एकदम, बस अभी टाइम का वेट करेंगे, थोड़ी देर पर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर निकलेंगे, फिर थोड़ा बहुत लाइक वही कॉफ़ी वगैरह एंड लाइक द फ्लाइट पर दिल्ली। अब दिल्ली में जाकर आपको बताइए क्या होने वाला है। बाय लफी, बाय 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 नहीं कर रहे लफी लफी कम 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 अब बोलो बाय बाय बोलो बाय बाय बोलो बाय बाय बोलो बाय बोल दो बाय मेरे बाबू बाय। जाने की जल्दी कहती है अपने भाई को, भाई बोल देते हैं इतने जोर से हमको अपने पास रखा, अभी भी नींद में मेरा भाई। तो फिर बोल देते हैं जल्दी मेरा भाई, है ना। मैंने कहा तो जल्दी आराम से जाना है, कोई चलो नाम दे नीचे कैब आ चुकी है, निकलते हैं सीधा। हाय बेबी, मिस करेगी ना मेरे को। तो गाइस हमारी कैब आ चुकी है, वी आर रेडी। ओके भाया, ओके बाबा। तो गाइस लेट्स गो, निकलते हैं एयरपोर्ट से। फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, बट अभी हम सोच रहे कि पहले कॉफ़ी वॉफी पीते हैं कुछ, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से अंदर। इतना ढूंढने के बाद जाके हमको अब मिला हमारा स्टारबक्स गाइस। मतलब एक हाथ होती है। एक चीज़ की हाथ होती है। इसे देखो, आके बैठ गया स्टारबक्स में, कह रहा तुम पिलाओ, वही क्या बात होती है भाई। थोड़ा सा मांगने की कुछ हद होती है भाई, कोई सस्ती सस्ती जो मांगी जाती है, क्या मांग रहे हो तुम। बस हेड कम सावर वाइट मोका फ्रैपेचिनो। तो फाइनली हमारी मॉर्निंग शायद अब हो गई हो जाएगी, कॉफ़ी पी के चलेंगे सीधा अंदर, स्नैप भी जाएगा। A few moments later. मेरे साथ एक बहुत बड़ा सीन हुआ, मैं ऑन द टाइम हो गया, सब कुछ टाइम से सब कुछ, मैं एयरपोर्ट पे ही हूँ। बट जो मैंने टिकट की थी ना, उसमें मेरा जो नाम था ना, उसमें प्रॉब्लम आ गया, मैंने उसको देखा भी नहीं, और वो मैंने टिकट बुक कर दी थी। तो जब मैं पहुँचा यहाँ पर, तो चेकिंग मेरे को सीधा बना कर दिया कि नहीं हो सकता, अगर थोड़ा बहुत भी अल्फाबेट्स का होता मिस डिस तो वो कर देते, वापस आना पड़ा वहाँ से, मेरा टिकट भी मेरे को तो वापस कैंसिल करना पड़ा वो, और उसका कुछ भी रिफंड नहीं आया। अब क्या करेंगे कि मैं दोबारा टिकट कर रहा हूँ, बट इस बार की टिकट पता कितनी महंगी पड़ रही है, बट कोई नहीं, मिलेंगे आज, आ रहा हूँ बस दिल्ली। ओके, तो करते हैं टिकट, निकलते हैं यहाँ से दोबारा, हमारे चक्कर में हो रहा है सब कुछ, तुम्हारे चक्कर में। Is
it's all about humanity. तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर एंड कोड में मिलने वाले हैं सिया से। मैंने क्रिस को बुलाया है एंड क्रिस इज हियर। तुमको पता है मैं सब बहुत गंदा सीन हो रहा है, बहुत गंदा सीन भाई, बताऊंगा तुमको सब कुछ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं सिया से मिलने के लिए। तुमको पता है मेरे साथ में मैं दो दूसरी फ्लाइट करके आया हूँ। मेरी पहली फ्लाइट में मेरे को एंट्री नहीं करने दी इसने शकल देख के शायद। अबे भाई सुनो, पहले मेरा 7,000 का नुकसान हुआ। एयर होस्टेस पे चढ़ा था नहीं, पहले मेरा 7,000 का नुकसान हुआ, उसके बाद पता क्या मेरे को ऑन द स्पॉट फ्लाइट करनी पड़ी 14,000 की। टोटल 21,000 रुपये गए। चलो गाइस चलते हैं। हम फाइनली पहुंच चुके हैं, शूज भी रेडी है, सामने से जा सकती है। हम फाइनली पहुंच चुके हैं, शूज भी रेडी। अबे तुमको किसी ने यहाँ पे फेंक दिया है क्या? हेलो तेरे को पता है मैं कैसे आया हूँ? कैसे? अपने पैरों से। हेलो इसकी शक्ल देखो गाइस, चमकांडी। हेलो खुशी, बस बढ़िया। भर भर के बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे आने से? नहीं। अरे बताऊँ तुमको, मैं मेरा आज का जो प्लान था ना, मेरा वो था सुबह सुबह 6-7 तक दिल्ली पहुँच जाने का, ठीक है। बट वो पता पूरा कैंसिल हुआ। क्यों? मेरा टिकट मेरे को अंदर ही नहीं घुसने दिया, क्योंकि मैंने पता मैंने गलती से इंस्टा का नाम डाल दिया था। और उन्होंने बोला थोड़ा बहुत अल्फाबेट अगर मिलता। मैं आया हूँ, हाँ मैं आया हूँ। थोड़ा सा वो जो एक होता है ना खुशी, एक होता है ना ये वाली खुशी नहीं, पतली वाली, मतलब कम वाली खुशी। अब मैं बता दूँ मेरी टिकट गाइस 7,000 की, ठीक है। और मैं सुबह सुबह मेरा 5 बजे की फ्लाइट थी। अभी तो सुन, अभी तो को लगेगा तुमने कितना अच्छा किया है मेरे लिए, ठीक है। मेरी 7,000 की टिकट थी, मैं गया, मेरे को अंदर घुसने नहीं दिया, मैंने मुझे कैंसिल करनी पड़ी टिकट, और मुझे 1 रुपया रिफंड नहीं मिला 7,000 में। अब मैं चाहता वहाँ पर रुक, मैं कसम से मैं चाहता अभी ना तो मैं वहीं रुक जाता आज बेंगलुरु में, पक्का रुकता मैं आज बेंगलुरु में, मगर मैं रुका नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे किसी को सरप्राइज देना था और सोचा था कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा रिस्पॉन्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं आया। और पता है मैं उसके बाद फ्लाइट कितने रुपये करके आया वहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए? कितने की सोचो, 7 का डबल कितना होता है? मैं पे बोर्डिंग पास पड़ा है, मैं पे फ्लाइट के टिकट का वो पड़ा है, मैं सब दिखाऊंगा मैं तुमको। 14,000 ना, एक बात बताओ, जिसको सरप्राइज देते हैं ना उसको कुछ हिंट भी नहीं देते, कुछ स्नैप सेंड करी जा रही है बैंगलोर टू दिल्ली, तो को नहीं पता चलेगा यार। अरे भाई मैं मतलब सोचा ही नहीं था सब कुछ। मैं तो यार इनने ना मेरे को पहले भी तो मामा को बता दिया था कि मैं 10 तारीख को पहुंच जाऊंगा घर के, मगर मैच कैंसिल कर रहा था। मैं हूं मगर भाई टोटल 21,000 का वो नुकसान करवा के आया हूँ अपना। पहले सब कुछ बता दे सरप्राइज का। अरे मैं क्या करूँ, एक तो वो लोग होते सबके सब ना स्नैप देखते और ना हटा देते, ये पता उन्होंने क्या करते हैं, हमेशा पता है स्नैप को सेव करके रखती है कि हाँ भाई ये है। तो भाई थोड़ा सा तो वो एक्साइटमेंट दिखाओ मेरे को यार। ओह माय गॉड, मैं बर्ड हूं, माय गॉड मैं कैसे रही हूं, आप कितना कुछ कर सकती हैं। मैं भी बहुत बहुत परेशान हूं, एक किस बहुत देकर आ गई इस किस के लिए। दिखा के रहे मुझे, बिल्कुल दिखाओ ना गाइस, 2 मिनट मिलते हैं। मेरे 1,000 रुपये वापस कर। जानना चाहे मैं तुमने क्या लेके आया हूँ? मेरे को भी खुशी चाहिए थी, कुछ अच्छी चाहिए। खुशी बुला रहे थे मैं पतली वाली। गाइस देखो मेरे को कुछ नहीं मिला अच्छा से रिस्पांस, तो मैं गिफ्ट क्यों दूँ? अरे इतना अच्छा रिस्पांस दिया मैंने, दो बार दिया यार, सब कुछ बताने के बाद क्या ही निकलेगा? अच्छा आ गए चलो, कहते हैं ना गाइस एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वही हुआ मेरे साथ। एक
एकदम सीन खराब हो गया मेरे साथ। एक चीज बताओ, अगर ये मेरे को बता दे मैं तब भी मेरा रिएक्शन यही होता। ओ आगे चलो ठीक है, चलो यार शाम शूट करते हैं। चलो गाइस क्यों रो रही है भाई मिक्कू? मिक्कू क्या हुआ, घर से 10 रुपए नहीं मिले आज? नहीं वो 20 रुपए लेके आई है। याद में ओहो, याद में बाद में। एक गोपी तो इधर बिठा रही थी आपने, लेकिन ये गोपी थोड़ी अग्रेसिव है। गाइस मैं तुमको मिक्कू को ना पास से दिखा ला ला ला। आज मिक्कू वीडियो टाइम मत करना पागल है क्या? जूम करने दे मैडम, नाराज है। बेटा तेरा कॉल आया था, मेरे को बोल देती ना कब आएगा, मैं आया ना। गाइस अरे हाँ हाँ, तो तुम वहाँ आने वाली थी, क्या हुआ इसको? गाइस तो मम्मी ने इसको 10 रुपए नहीं दिए, कहाँ से आती है? मिक्कू अरे बैंगलोर नहीं जाने के लिए, एयरपोर्ट पे मेरे को लेने आने के लिए। मैं तो जाने के लिए तैयार था, मेरी हालत। ये 10 रुपए में डीडी से पकड़ के घूमती है, और ये क्या वो चेक, वो 600 रुपए का कैप करके आई वो। चलो मजा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, रो रही थी मेरे चक्कर में। क्यों तुम्हारी आंखें की सूजी पड़ी है? किसने मारा? मारा रोके, रो रहे हो तुम यार पीयूष? ऐसा रोने के गाइस बैकग्राउंड म्यूजिक वाह, ये देखो एक ये बीमारी और एक दोनों को उठा सेक्सी हम लोग, जो जानते हो कि हम सेक्सी है, यू नो। हेलो हेलो, आपको क्यों बताया हम कहाँ हैं? हम बिहार में, आ जाओ फिर, हम इधर ग्रास के साइड है, हम बिहार में, ग्रास में घुस जाना, इधर आके जल्दी आओ। क्या बोले आप? अरे भाई तुझे पता होगा, जो प्लेन में होते हो तो भाई वहाँ पर ना वो पूरा नेटवर्क चले जाता है। उन्हें कैसे पता होगा यार? सॉरी सॉरी, बिहार जाने के लिए फ्लाइट नहीं पकड़नी पड़ती ना, सॉरी। वही तो, चल जल्दी आ जाना। आपकी वो कॉल उठाएंगे? चलो गाइस अब पक्का फाइनली शूट कर लेते हैं। लड़की को लाइन मारता है गाइस, देखो फोन में चूल लेके बैठे उसको। गाइस देखो, अगर आपको हमारे ग्रुप में किसी भी से बात करनी है ना, अगर आप लड़की हो उसको मैसेज करो, ये हर एक लड़की ग्रुप पे आ जाता है। सही बोल रहा हूँ गाइस, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बता सिर्फ हर एक लड़की का रिप्लाई देता है ना, अपने मैसेज में सभी लड़कियों का नाम चेक करता है। तो कहना एक बार कहना खराब करना जरूरी है ना। तो गाइस जरूर बताओ व्लॉग आपको कैसा लगा, इसको 10 रुपए मिले बोलने के लिए। आप बस इतना बताओ कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। कोलगेट दंत कांति, तो गाइस अब सीरियस आ जाते हैं, मुझे कोई बोलने इनकी ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दो, कमेंट में बताओ फिर कैसा लगा, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब कर दो इनके चैनल को, हम लोगों को प्यार दो, फॉलो करो। 10 रुपए इसको 10 रुपए दो, इसको 10 रुपए जरूरत है, उसको डीटी से बस में जाएगी। 10 रुपए दो भाई, 10 रुपए।
तो गाइस प्लीज इसको शेयर करो बहुत तगड़ा तरीके से शेयर करो क्योंकि मैं शेयर कर दो गाइस गाइस तो चलते हम लोग ब्रो गाइस हम लोग राइड पे जा रहे हैं लैम्बोर्गिनी पे। कोई कमेंट ऐसा मत कोई कमेंट पास एक लैम्बो कमेंट ऐसा ना कर दे कि भीख मांगने के लिए हद होती है यार। ये ब्रो मेरे लिए भीख मांग। तो गाइस चलो एक राह पे आता है मुझे गांव क्या तो गाइस बस बता दो कमेंट में कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाकी लव यू ऑल लव यू सो मच बाय।